फॉर लूप की अगर बात करें, वाइल लूप जैसा ही होता है फॉर लूप। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर हम दो पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली, और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं इन ऑपरेटर का। तो इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं प्लस, जैसे कि अभी तक अगर सी, सी प्लस प्लस या पीएचपी लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता था कि हमको तीन पैरामीटर मिलते थे, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन और उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बट यहाँ पर क्या है, फॉर लूप में हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं, क्योंकि इसका वर्क जो होता है ना वो रेंज के साथ में होता है। जैसे वाइल लूप का केस तो ये था कि हमने उसको इनिशियलाइजेशन भी किया वैल्यू को ऊपर हमने कि आई इक्वल टू वन, इसके बाद में हमने वाइल को ओपन किया और वहाँ पर हमने कंडीशन दिया, और एट द लास्ट प्रिंट होने के बाद में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया। ये सेम टू सेम वर्क जैसे प्रीवियस लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही हो रहा है। डिफरेंट कहाँ पर हुआ है, डिफरेंट हुआ है फॉर लूप में। यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड जो होता है वो इनिशियलाइज होती है वैल्यू, और जो दूसरी तरफ राइट साइड वाली वैल्यू है इसमें कंडीशन भी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए पैरामीटर्स भी यहीं से ले रहा है वो। क्योंकि ये जो फ्रूट है ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर तीन इंडेक्स वेरिएबल पड़े हुए हैं, 0, 1 और 2। तो ये क्या करेगा, जब तक कि उस लिस्ट के पैरामीटर्स को मिलते रहेंगे 0, 1, 2, 3 जितने भी हैं, तब तक ये लूप चलेगा। दैट मीन्स कि कंडीशन ये हो जाएगी कि फ्रूट्स जो है जब तक वो लेस देन या इक्वल टू है 3 के, तो ये चलता रहेगा। और वन बाय वन वैल्यू जो है वो एक्स में इंसर्ट होती रहेगी और वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसी केस को अगर हम प्रिंट करके देखें कि एक्चुअल में वर्क कैसे क्या हो रहा है, तो ये सब कुछ छोड़ने के बाद में हम यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहले क्या करते हैं, जब नंबर सिस्टम पढ़े थे नंबर सिस्टम में तीन चीज़ें मिली थी, एक तो इंटीजर, फ्लोट और एक मिला था कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जब हम सीक्वेंस में आए थे तो सीक्वेंस में हमें मिला था लिस्ट, टपल और साथ में मिला था रेंज। रेंज का यूज यहाँ पर हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक फॉर हमने क्रिएट किया और फॉर में हमने का एक इमेजिनेशन वैल्यू ले ली इनिशियलाइज के लिए, इनिशियलाइज कर दिया आई से, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया रेंज को। रेंज हमने क्या सेट कर दी, पहले हम 10 रेंज सेट कर देते हैं। 10 का मतलब क्या हुआ रेंज में, कि ये 0 से लेकर 10 तक चलेगा, दैट मीन्स कि एन माइनस 1 तक, 0 से लेके 9 तक चलेगा, जैसे ही 10 मिलेगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं, और प्रिंट किसको करते हैं आई को, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर भी दे देते हैं डबल लाइन का स्पेस देके नंबर, और अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमें वैल्यू क्या मिली। ठीक है, नंबर मिल गया। अब हमने क्या दिया था, यहाँ पर स्पेस दे दिया था डबल का, इसलिए ये हर एक लाइन में क्या कर रहा है, न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन क्रिएट करता चला जा रहा है। तो एक बार हम फिर से इसको फिर से रन करते हैं, मिल गया नंबर। एक से लेकर 0 से लेकर, थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा करते हैं, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू हमें मिली। दैट मीन्स कि रेंज क्या चला, 0 से लेकर 9 तक। अब इस रेंज में दो चीजें तुमने देखी थी कि रेंज क्या वर्क कर रहा है। रेंज जो है इसमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक होता है एंड पॉइंट, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है कि डिफरेंस कितना होगा। तो अब मान लो कि हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं 2 से, और 2 से स्टार्ट करके रेंज दे रहे हैं कि ये जाएगा
20 तक। ठीक है, और तीसरा पैरामीटर हमने दे दिया कि डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 2-2 का। अब एक बार फिर से हम इसी नंबर को रन करते हैं तो हमें क्या मिल गया, टेबल मिल गई 2, 4 और 18 तक ये चला। क्यों 18 तक चला, क्योंकि लेस देन हमेशा होता है n-1, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको ये नहीं काउंट करेगा। तो इसको अगर हमें चलाना है तो हम क्या करेंगे, 21 तक करेंगे या 21 तक करेंगे, तो ये क्या करेगा 20 तक की वैल्यू को प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमको रेंज में पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है, नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है। इस केस को हमने कहाँ देखा हुआ है, जब हम लिस्ट देख रहे थे, टपल देख रहे थे, तो हर एक में हम रेंज सेट कर सकते थे। पॉजिटिव में भी रेंज को सेट कर सकते हैं और नेगेटिव में भी रेंज को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। और फॉर लूप में हम चाहे जो चला रहे हों, चाहे रेंज में वैल्यू लाकर हम रेंज को सेट करके दे रहे हों, या यहाँ पर हम एक्चुअल में लिस्ट की वैल्यू ले रहे हों, या टपल की वैल्यू ले रहे हों, डजंट मैटर। बट इस फॉर लूप के अंदर आने के बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं, और हो सकता है केस बने कि आप इसको प्रिंट ना करा कर अभी के लिए छोड़ देना चाहते हो, तो इसके लिए क्या आता है, पास आता है। और ये क्या करेगा, जैसे ये फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा, पास मिलेगा, तो ये इस पूरे के पूरे फॉर लूप को स्किप कर देगा, कोई एरर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये केस यहाँ पर भी होता है कि हम वैल्यू को पास ऑन कर दे रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि स्ट्रिंग जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रिंग को भी हमने देखा था कि स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रिंग का एग्जाम्पल अगर लें कि फॉर लूप में हम चला रहे हैं और एक फिर से आई लिए हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है हेलो टीम। ये क्या करेगी हेलो टीम, हेलो टीम में जितने भी ये कैरेक्टर पड़े हैं ये सब एक एक इंडेक्स पोजीशन पे पड़े हुए हैं। दैट मींस कि एच जो है वो 0 पे, ई 1 पे, एल 2 पे, फिर सेकंड एल जो है वो 3 पे, इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है। तो हमने फिर से यहाँ पर प्रिंट कराया, और प्रिंट में हमने क्या किया, सिंपली दे दिया आई ही और कुछ नहीं। और इसको अब हम रन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये जितने भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं वो लाइन बाय लाइन अलग अलग मिल जाएंगे। मिल गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग जो है वो हमको कैसे मिल गई, अलग अलग लाइन में। ये हुआ क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो भी इंडेक्स में वैल्यूज़ को रखता है। इसके अलावा एक केस होता है कि हम कंडीशन भी बना सकते हैं, और कंडीशन क्या बना सकते हैं कि मान लो हमने एक यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर लिस्ट लिया, और एक हम लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट एग्जांपल, और लिस्ट में क्या करते हैं, लिस्ट वैल करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं। हम नाम रख लेते हैं शुभम, अंकित, रोहन, अंकिता, और इसको हम नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं कि आई वेरिएबल एक लिया। अब ये आई जो है ना, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ, नेम इन लिस्ट वैल। लिस्ट वैल में से हर बार एक एक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू आएगी और यहाँ पर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नेम, और इसके बाद में लिस्ट वैल। ये क्या करेगा, लिस्ट वैल जो है 1 by 1 वैल्यू को उठाएगा और हमें प्रिंट करा के नाम दिखा देगा। नाम दिखा, प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने सोचा था कि 1 by 1 नाम को ये प्रिंट कराएगा, बट इसने क्या किया, पूरी की पूरी लिस्ट को एक बार में उठा के यहाँ पर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पूरी की पूरी लिस्ट को उठाया और किस में रख दिया, नेम में, और हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करा दिया, लिस्ट को कराया, और यहाँ पर हमें कराना किसको चाहिए था एक्चुअल में, नेम को। तो
अब क्या होगा, ये 1 by 1 एक एक इंडेक्स की वैल्यू को उठाएगा। मिल गया शुभम, अंकित, रोहन एंड अंकिता। यहां पर दो कंडीशंस तुमने पढ़ी होंगी, कंडीशंस कौन सी, एक कंटिन्यू की एंड एक ब्रेक की। ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक का मतलब हो गया फुल स्टॉप, ब्रेक की, यहीं पर रुक जाओ। तो अगर हम किसी भी कंडीशन में ब्रेक दे देते हैं इफ एल्स की, तो उस कंडीशन को वो वहीं पर हॉल्ट कर देगा, उसके आगे नहीं जाएगा। और किसी भी कंडीशन इफ एल्स की कंडीशन में हम कंटिन्यू देते हैं, दैट मीन्स कि उस एक स्पेसिफिक चीज को रोक के वो आगे बढ़ जाएगा। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो कि हमने एक कंडीशन बनाई कि इफ इफ जो ये शुभम है, शुभम अगर किसमें है, लिस्ट वैल में, ठीक है, तो क्या करे, ये ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अदरवाइज की केस में क्या हुआ, एल्स, और एल्स की केस में हमने यहां पर एक प्रिंट करा दिया कि शुभम नॉट इन लिस्ट का केस, कि ठीक है लिस्ट के अंदर शुभम एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर शुभम एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, जहां पर भी शुभम मिलेगा वहां पर ये रुक जाएगा। हमने रन किया, शुभम मिला, शुभम मिला, शुभम को प्रिंट किया, और इसके बाद में क्या हुआ, ये इफ की कंडीशन नीचे रखी हुई थी और इसने तुरंत इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, अगर आगे बढ़ना है तो हमने कह दिया कि अगर शुभम लिस्ट के अंदर नहीं है तो ब्रेक हो, अगर शुभम लिस्ट के अंदर है तो ब्रेक ना हो। ये ऑपरेटर है, तुमने ऑपरेटर पढ़ा होगा, और दो ऑपरेटर मिले थे, एक इज मिला था और एक इन मिला था। इज और इन दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स। सर आवाज, ओके, हेलो, थोड़ा सा हम ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी, वेट कर लेते सर हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट का हॉल्ट ले रहे हैं, माइट बी इंटरप्शन की वजह से हो, आवाज सही हो जाएगी तो मुझे बताना। अभी प्रीवियसली हमने जितना देखा फॉर लूप का, वहां पर आवाज सही सही जा रही थी। एक मिनट देना, ठीक है, अभी शायद थोड़ा फर्क पड़ा होगा। ठीक है, आवाज सही जा रही है अभी? यस सर, अभी सही आया। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में तुमने दो ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, एक इज और एक इन। ठीक है, इज का काम क्या था, वो चेक करता है कि जो वैल्यू लेफ्ट साइड वाली है वो एक्चुअल में राइट वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। वैसे ही इन क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और राइट साइड वाली जो वैल्यू होगी वो हो सकता है लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो, हमारे केस में वो लिस्ट है। तो हमने क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन चेक किया कि जो शुभम है अगर ये इस लिस्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज हमें शुभम नॉट इन लिस्ट प्रिंट होकर दिख जाए। तो इसको हमने कह दिया कि शुभम इन लिस्ट, और अब हम इसको रन करते हैं तो इस केस में क्या होगा, हमें जो ब्रेक मिल रहा था वो ब्रेक यहां पर नहीं मिलेगा।
ठीक, हर एक लाइन के बाद में क्या हो रहा है, ये एल्स वाली कंडीशन चल जा रही है, तो इसको हम क्या करते हैं अभी के लिए, इसको हमने कमेंट किया और यहां पर क्या लिख दिया, पास। अब पास का फर्क देखना क्या होगा। ठीक है, अभी हमने जब एल्स की कंडीशन दी तो जैसे ही लूप चल रहा था शुभम मिला, उसके बाद में ये एल्स में आया, उसको प्रिंट किया, इसके बाद में फिर दोबारा गया अंकित को प्रिंट किया, और इसके बाद में फिर एल्स में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, पास लगा दिया। और एक बार फिर से इसको रन करते हैं, रन करने पे क्या होगा, जितनी बार वो एल्स में जाना होगा तुरंत वहाँ से उसको पास ऑन कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, शुभम मिला, वो बार बार इफ में जा रहा था, बार बार चेक कर रहा है कि जो वैल्यू आ रही है क्या वो शुभम के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो वो तुरंत फिर एल्स में भी जा रहा था, और एल्स में उसको बार बार पास मिल जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से जंप करके बाहर निकल रहा था। और बाहर निकलने के तुरंत बाद क्या हो रहा था, वो तुरंत अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जा रहा था यहाँ पर। तो ये केस किसके लिए हो गया, ब्रेक के लिए हो गया। ऐसे ही जैसे ये हमें ब्रेक मिला, ऐसे ही हम यहाँ पर एक कंडीशन और चला सकते हैं, दूसरा इफ, कि मान लो, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसी एल्स के अंदर हमने नेस्टेड स्टेट का केस देखा हुआ है ना, कि हम फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी चला सकते हैं, इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स भी चला सकते हैं, तो वैसे ही एल्स के अंदर भी चला सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, हमने कहा कि अगर शुभम लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ब्रेक हो जाए, तो शुभम तो एग्जिस्ट करता है इसलिए ये कंडीशन ब्रेक होने से रही, तो वो आ रहा है एल्स में। एल्स में हम क्या करते हैं, फिर से एक इफ की कंडीशन चलाते हैं, और इफ की कंडीशन में हम चला क्या रहे हैं कि अगर हमारी लिस्ट में अंकित एग्जिस्ट करता है तो इन लिस्ट वेल, जो कि अंकित हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, और अगर अंकित लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो हमें करना क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, कि अगर अंकित एग्जिस्ट करता है तो ये कंटिन्यू होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस केस को हम फिर से एक बार रन करें, और एक खास चीज ध्यान देना कि इस समय हम कहाँ पर हैं, हमारा लूप जो था फॉर लूप जो चल रहा था हमारा, ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमने इफ और एल्स की कंडीशन चलाई थी, और इस एल्स के अंदर फिर से हमने क्या चलाया है, इफ। तो यहाँ पर क्या है, एक टैब का हमने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इस स्पेस को ध्यान रखना, हम सेम लाइन में नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है इसके अंदर इंडेंटेशन ही इसका सिंटैक्स है, तो हम एल्स के अंदर वाली बॉडी में है, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस दे रखा है। तो एक बार फिर से इसको हम रन करते हैं, और यहाँ पर तुम्हें फर्क कुछ नहीं पता चला होगा, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन ये दी थी कि अंकित अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जो है कंटिन्यू हो जाए। मान लो कि यहीं पर हमने इसको कंडीशन दे दी कि इफ अंकित नॉट इन लिस्ट, तब क्या होगा, हम यहां पर आए और हमने रन किया, क्या हुआ, इस केस में भी अंकित यहां पर है। ठीक, तो कंटिन्यू का केस क्या होता है कि अगर अंकित जो है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तब भी, और एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी, दोनों केस में वो क्या करेगा, रोकेगा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। ब्रेक का केस क्या होता है कि ब्रेक जो है वो रोक देता है, वहीं पे स्टॉप कर देता है, लेकिन कंटिन्यू का जो केस होता है वो क्या करता है, स्टॉप नहीं करता है, वो पूरे के पूरे लूप को चलने देता है, और वो लूप कंटिन्यूस चलेगा। तो मान लो कि यहीं पर हम थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर देते हैं, कि हमने क्या कहा कि अगर, जैसे हमने यही कहा था इन है, तो यहाँ पर कंटिन्यू से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्रिंट करके देख लें कि जो हमने अभी अंकित को चेक किया है इसकी वैल्यू हमें क्या मिली। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अंकित की वैल्यू को सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। नेम लिया और हमने अंकित को यहाँ स्टोर कराया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, नेम, ओहो नेम हम नहीं ले सकते क्योंकि नेम वन लेते हैं, पहले ऊपर भी हमने नेम ही ले रखा है, तो ये कॉन्कैटिनेट कर देगा दोनों को।
यहाँ पर हम प्रिंट करके ये देखते हैं कि जो नेम वन है इसमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है। तो वैल्यू ऑफ नेम वन, और यहाँ पर हमने नेम वन को चेक कर लिया। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर वैल्यू हम ऑपरेटर इन या इसके बिहाफ पे चेक करते हैं तो हमें ट्रू या फॉल्स मिलता है। तो इस केस में हमें ट्रू मिल रहा है कि फॉल्स मिल रहा है, केवल वही चेक करना है। कंडीशन क्या दी है कि इफ नेम वन नॉट इन लिस्ट, अंकित जो है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉट इन नहीं है, तो क्या करेगा, ये इफ में आएगा, और इफ में आने के साथ में वो फिर इसके बाद में कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि नेम वन जो अंकित है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसको इनकी जगह पे पहले एक छोटा वाला लेते हैं, इक्वल टू का केस, कि अगर ये जो नेम वन है ये अंकित के इक्वल टू है तो का केस। ओके, ये एक्चुअल में हमने ऊपर वाली कंडीशन ही ऐसी दी है कि ये यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। हमने कह दिया था कि इफ शुभम जो है वो नॉट इन लिस्ट वैल, तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो शुभम जो है वो लिस्ट में एग्जिस्ट अगर करता है तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करेगा तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। और जब हमने इसको नॉट इन किया तो वो ब्रेक नहीं किया, वो आया एल्स में, और एल्स में आने के बाद में हम यहाँ पर एक बार इसको फिर से प्रिंट करते हैं, क्योंकि ये जो है वैल्यू के साथ कुछ गड़बड़ी कर रहा है। शुभम इन लिस्ट हमको एज अ आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है, शुभम इन लिस्ट हमको एज अ आउटपुट मिल रहा है। इसको हमने कमेंट किया, और इसके बाद में हमने ये चेक किया कि अगर कंटिन्यू को अभी हम स्टॉप करते हैं, हमने ये चेक किया कि अगर हमारी लिस्ट जो है लिस्ट वैल इसमें अंकित एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि जब भी लिस्ट में अंकित आएगा और वो इक्वल टू होगा अंकित के, तो हमें क्या मिल जाएगा, अंकित का नाम। एक बार हम फिर से रन करते हैं इसको, तो शुभम अंकित रोहन अंकिता, लेकिन हमको अंकित का नाम नहीं मिल रहा है, क्या स्पेलिंग में गलती है कुछ, कतई नहीं, अंकित यहाँ पर है। और ओ हो, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। लिस्ट वैल क्या है, लिस्ट वैल तो हमने पूरी की पूरी लिस्ट को ही उठा लिया और यहाँ पर दे दिया इक्वल टू, और लिस्ट वैल क्या है, इसके अंदर तो सारी वैल्यू में पड़ी हुई, पूरी की पूरी लिस्ट ही हमने कॉल कर लिया, और हमें कॉल क्या करना था, नेम को, क्योंकि नेम क्या कर रहा है, यहाँ से लिस्ट के हर एक इंडेक्स की वैल्यू को उठा रहा है एक एक करके, और उसको नेम में स्टोर करा दे रहा है, और उसी नेम को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर गलती क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट उठा ले रहा हूँ और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक है वो अंकित के बराबर तो नहीं है, तो वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लिस्ट वैल के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हुई है वन टाइम में, तो ये तो कंडीशन कभी भी ट्रू होगी ही नहीं। अब इसको हम रन करते हैं, तो अब क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि अंकित मिलेगा, मिल गया अंकित, वैल्यू ऑफ नेम वन अंकित, और इसका केस क्या बना था, केस ये बना था कि हमने यहाँ पर इक्वल टू चेक किया था। अब यही केस जो हम कर रहे थे इनके साथ में वो भी चलेगा, कि यहाँ पर हमने कर दिया कि अगर इन है, मीन्स अंकित जो है वो नेम, जो नेम है ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू चेक करते हैं, अगर नहीं है तो के केस में हमने अब क्या किया, कंटिन्यू लगा दिया, ठीक।
तो होगा क्या, लूप जब घूमेगा नेम में अंकित वैल्यू आएगी इस नेम में, तो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि अंकित अगर अंकित के बराबर नहीं है तो के केस में क्या होगा, ये इफ में आएगा और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो ये केस तो सही नहीं है, तो हम यहाँ पर अंकित क्यू करके स्ट्रिंग को चेंज कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये कभी भी नेम के इक्वल टू तो है ही नहीं, लेकिन आपके केस में क्या होगा कि नेम वन में अंकित है, तो पहली बार जब घूमेगा लूप, पहली बार शुभम आया, तो ये कंडीशन क्या होगी, सही रहेगी उस समय। तो ये क्या करेगा, नेम अंकित को प्रिंट करेगा, दोबारा में अंकित मिलेगा तो उस केस में ये क्या करेगा, छोड़ देगा। तो एक बार इसको हम रन करते हैं, अभी के केस में क्या हुआ, लूप चला, पहले नेम में क्या आया, शुभम आया, तो ये यहाँ पर आया, इफ की कंडीशन में ब्रेक हुआ, एल्स में आया, और एल्स में हमने कंडीशन दी थी कि अगर नेम वन जो है वो नॉट इक्वल टू है नेम के, तो क्या प्रिंट कर दे, नेम वन। इसने क्या किया, शुभम जो है वो अंकित के इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमको क्या प्रिंट कर दिया, नेम वन अंकित। दूसरी बार जब लूप घूमा, वैल्यू आ गई अंकित, और अंकित जब आई तो क्या हुआ, अंकित जो है अंकित के इक्वल टू है, इसलिए इसने क्या किया, प्रिंट को प्रिंट भी नहीं किया और इसको छोड़ के आगे बढ़ गया। फिर तिबारा को उसने लूप को घुमाया, वैल्यू क्या आई, रोहन, रोहन आई, वो क्या है, रोहन अंकित के इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए इसने फिर क्या किया, वैल्यू ऑफ नेम वन प्रिंट कर दिया। वैसे ही अंकिता के साथ भी इसने किया, ठीक है। रेंज वाला केस हमने पहले ही देख लिया कि रेंज क्या कर रहा है, एक रेंज पूरा का पूरा दे रहा है। जो ब्रेक और कंटिन्यू का केस है ये हमें मिलता है कंडीशन के साथ में, इसको हमने इफ एल्स की कंडीशन के साथ में देखा था कि ये कैसे वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। इसके अलावा हमने एल्स वाला केस भी देख लिया है कि एल्स जो है ये क्या कर रहा है कि चाहे हम लूप फॉर लूप चलाएं चाहे वाइल लूप चलाएं, दोनों ही केस में हम एल्स का यूज कर सकते हैं, और ये करता क्या है, ये बेस्ट अल्टरनेटिव है डू वाइल लूप का, जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता था। वहाँ पर क्या होता था कि एक कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आती थी कि जब भी कभी हमारी कंडीशन गलत हो लेकिन हमें एक बार को आउटपुट चेक करना है, तो हम अदर लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप का उपयोग करते थे। लेकिन पाइथन में क्या हुआ कि चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, चाहे हम वाइल लूप यूज करें या चाहे हम फॉर लूप यूज करें, दोनों ही कंडीशन में हम एल्स जरूर यूज कर सकते हैं। तो लूप चाहे सही आउटपुट दे चाहे गलत आउटपुट दे, हम एल्स की कंडीशन हमेशा देख सकते हैं, उसको हमने स्टार्टिंग में ही करके देखा था, और यहाँ पर भी हम उसको रन करके देख सकते हैं। जैसे ये फॉर लूप है, फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है और फॉर की बॉडी ये यहाँ पर ख़त्म होती है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल्स यूज किया और यहाँ पर हमने एक प्रिंट दे दिया कि फॉर लूप जो है इंडेड सक्सेसफुली। सर स्क्रीन स्क्रीन रुक रही है, तो हुआ क्या, लास्ट में पूरा लूप जो चला, ये इस पूरी लूप के चलने के बाद में एट द लास्ट वो एल्स चला और उसने क्या कह दिया कि फॉर लूप इंडेड सक्सेसफुली। बीच में कहीं इसने एल्स को नहीं दिया था, इसने कब दिया, एकदम लास्ट में जब पूरा लूप अपना इटरेशन खत्म कर लिया, एट द लास्ट हमें ये चीज मिल गई कि वैल्यू जो है वो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे,
एल्स केस की, कि लूप में चाहे हम वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, दोनों ही केस में हम एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक केस होता है नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप में क्या करते हैं हम, मान लो कि हमने जो है फिर से एक लूप बनाया, और इस बार का हमने जो लूप बनाया है इसमें हमने यूजर्स लिए, तीन यूजर, लूप कह रहा हूँ, हम एक लिस्ट बनाते हैं यूजर लिस्ट, और यूजर लिस्ट में हम तीन यूजर लेते हैं, एक अंकित, एक शुभम और एक हो गया हिमांशु। लूप हमने चलाया, लूप में हमने क्या किया कि वन बाय वन हमने सभी यूजर्स को प्रिंट करा लिया। प्रिंट वाला काम तो हो ही जा रहा था कि हम प्रिंट करा रहे हैं और हमको यूजर मिल रहा है, राइट? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, हमको तीनों अंकित, शुभम और हिमांशु मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम एक नई लाइन ले लेते हैं प्रिंट में डबल स्पेस से। ठीक है, इससे नीचे हमें स्पेस मिल जाएगा। काम ये करना है कि मान लो अंकित, शुभम और हिमांशु तीन अलग अलग स्टूडेंट हैं और इनकी डिटेल्स जो है वो हमें देखनी है, दैट मीन्स कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अंकित, शुभम एंड हिमांशु। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनर लूप बनाते हैं, क्योंकि आई में एक बार अंकित आएगा, एक बार शुभम आएगा और एक बार हिमांशु आएगा। जब अंकित आ रहा है तो उसकी पर्सनल डिटेल लाइक एज की कोर्स का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को हमें शो कराना है। तो पहले क्या करते सर, हैं, स्क्रीन रुका हुआ है। स्क्रीन रुका हुआ है, एक ही स्क्रीन है, मैं अभी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ, केवल दो या तीन लाइनें लिखा हूँ केवल। यूजर लिस्ट फॉर लूप दिख रहा है जहाँ पर यूजर लिस्ट क्रिएट किया है। हेलो, लास्ट लाइन मेरे पे शो हो रहा है, प्रिंट फॉर लूप इंडेड इंडेड सक्सेसफुली। ओके ठीक है। तो अभी जो देख रहे थे कि एक लिस्ट बनाई है अंकित, शुभम और हिमांशु के नाम से, काम ये करना है कि जब अंकित की डिटेल आए, अंकित का नाम आए, तो उसकी डिटेल्स भी शो हो जाए। तो अभी के लिए तो हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है? सर स्क्रीन नहीं दे रहा सर आपका। तो क्ला लिस्ट जो बनाई है, यहाँ का पर्पज़ ये है कि लूप के अंदर एक लूप और चलाना है, नेस्टेड लूप। तो केस ये है कि यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी सेट। तो डिक्शनरी या डिटेल करके एक वेरिएबल बनाते हैं, डिटेल, और डिक्शनरी ये ओपन किया, और डिक्शनरी ओपन करने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं कि नेम इक्वल टू हो जाएगा, नेम तो हो ही चुका था, खैर पाइथन कोर्स का नाम हो जाएगा, कोर्स पाइथन हो गया, एंड मोबाइल हो गया, मोबाइल नंबर इंटीजर में, एंड देन एक हम ले लेते हैं एड्रेस, और एड्रेस ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो करना यह है कि हम एक लूप और चला रहे हैं, और लूप के अंदर आई की जगह जे और इन डिटेल, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट कराना है डिटेल, और डिटेल में भी क्या वन बाय वन ये डिटेल्स। तो एक बार रन करते हैं इसको और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिला।
ट्रैक हमको मिला है की एरर अंकित, की एरर अंकित क्यों मिला है, क्योंकि फॉर आई इन यूज़र लिस्ट एंड फॉर दैट यहाँ पर लिस्ट जो है वो हमको चलाना था, यहाँ पर एक बार प्रिंट करना है हमको, जस्ट ए मिनट। लूप की कंडीशन ये होती है कि बाहर वाला लूप जो है जैसे रेड बिग और टेस्टी है, तो इसको उठा के वन बाय वन एक्स में रखा गया, और जो फॉर लूप है नेस्टेड वाला, ये क्या चल रहा है कि वाई चल रहा है, फ्रूट को वन बाय वन ले रहा है, और यहाँ पर एक्स में वैल्यू जो जा रही है वो जा रही है ये। ओके देन, तो प्रिंट में यहाँ पर आई आई और आई के बाद में डिटेल आई, ओ गलती ये हुई है कि यहाँ पर आएगा जे। ठीक है, तो एक बार फिर से रन करते हैं कि सबसे पहले तो अंकित का नाम आएगा, और अंकित का नाम आने के बाद में ठीक है जो ये वाला लूप है यहाँ पर हम नेम देंगे, और एक स्पेस के बाद में देते हैं नेम, और नेम में हमने दे दिया आई। ठीक है, यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, केवल अंकित। अंकित प्रिंट होने के बाद में अंकित की डिटेल्स जो है वो यहाँ प्रिंट होनी है, तो यहाँ पर भी हम क्या देते हैं, डिटेल्स, और डिटेल्स में इस तरीके से दे देते हैं, और अब एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं। तो होगा क्या, पहले अंकित ऊपर लिखा हुआ आएगा और उसके बाद में ये आ गया नेम हिमांशु लास्ट कैंडिडेट। ऐसे ही ऊपर से अगर हम देखना चालू करें तो सबसे पहले कौन आया, अंकित, डिटेल में आ गया नेम पाइथन ये। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, हर जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिटेल डिटेल डिटेल, तो हमको तो डिटेल 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 दिखाना नहीं है, यहाँ पर दिखाना क्या है, यहाँ पर दिखाना है हमें कि कोर्स है, फिर इसके बाद में मोबाइल है, और इसके बाद में एड्रेस है, तो दिखना चाहिए वो। तो ये एक्चुअल में आ किस में रहा है, ये वैल्यू उठ के आ रही है बार बार किस में, जे में, तो हमने यहाँ पर लिया जे, और एक बार इसको फिर से रन किया, मिल गया हमें नेम है हिमांशु, कोर्स मोबाइल और एड्रेस। अब यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छा दिखाना है, थोड़ा अच्छा दिखाना है का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कॉमा किया और यहाँ पर एक स्पेस ले लिया और इस स्पेस में एक डॉट दे दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मेट से हम काम अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम स्ट्रिंग को ठीक करने के लिए हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं, तो एट लास्ट हमें रिजल्ट जो चाहिए था वो मिल गया कि नेम हिमांशु हो गया। ये कहाँ से आ रहा है, ये बाहर वाले लूप से आ रहा है, और इसके बाद में इससे जुड़े हुए कोर्स मोबाइल और एड्रेस ये कहाँ से आ जा रहा है, इस डिक्शनरी से आ जा रहा है, और यहाँ पे हमने काम क्या किया, हमने काम किया नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप से हुआ क्या फ़ायदा कि बाहर वाला लूप हमें कैंडिडेट का नाम दे रहा था, और उस कैंडिडेट से जुड़ी हुई सारी डिटेल हम इनर लूप से ले ले रहे थे, तो ये तो काम हो गया नेस्टेड लूप का। पास ऑन हम देख चुके हैं कि ठीक है, पास कीवर्ड को हम पास करते हैं और ये काम हो जाता है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो गिटहब पे बेसिक एक्सरसाइज के फोल्डर में पड़ा हुआ है सेम फाइल नेम से, वहाँ से जाकर इसको कर लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है फंक्शन, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी के लिए इतना ही।